देख रहे हैं बीएस नेशन। बीएस नेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज नालासोपारा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं रुग्णालय के वार्षिक उत्सव में विद्यार्थी परिषद ने अंतर महाविद्यालय स्क्रिप्ट प्रतियोगिता स्वांग व नृत्य प्रतियोगिता रिधम का सफलतापूर्वक आयोजन नालासोपारा के शादी .com हॉल में किया, जहाँ स्क्रिप्ट प्रतियोगिता स्वांग में जज की भूमिका निभाई श्री अनिल खोपकर, श्री संदीप गजांडे और श्री योगेश चंद्रावारकर ने निभाई। वहीं श्री कार्तिक पाल, श्रीमती तेजस्विनी वर्पे व श्रीमती सोनाली ठाकुर ने नृत्य स्पर्धा रिधम के लिए जज की भूमिका निभाई। कल्चरल चेयरपर्सन और मैं डॉक्टर ज्योति राठी डिबेट चेयरपर्सन आप सभी का आज की हमारी पहली अंतर महाविद्यालयीन प्रतियोगिता यानी स्वांग में मनःपूर्वक स्वागत करते हैं। और उसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी ज्याच्या समोर फिक्के वाटत फणसाचे गरे अशी आमची स्वीट आणि सुंदर मधुरा जुनगरे। आणि या स्वीटला द्यायला तिखटाचा तडका घेऊन येतोय चिकन वडे आमचा मर्द मराठी बाणार ऋतज्ञ हेलवडे। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे सूत्र संचालकों का।
अरे अरे ऋतज्ञ, तू प्रोग्रामचा स्टार्टलाच पडला. अरे यार, मेरा ध्यान तो प्रोग्राम पे स्टार्ट पे था. इस प्रोग्राम के चक्कर पे मेरा पेट ट्विस्ट हो गया. प्लीज किसी डॉक्टर को बुला दे या फिजियोथेरेपिस्ट तो बुला दे यार. अरे आज हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी के पर ऐप है, मैं तुझे फिजियोथेरेपिस्ट कहाँ से लाके दूँ? मैं अभी तो एक्टिंग ही कर रहा हूँ. तेरी एक्टिंग देख के ना ऋतज्ञ, मुझे मन कर रहा है तुझे नोबेल प्राइज दे दूँ. अरे बस कर यार, कितना तारीफ करेगी इस बंदे की. अरे आगे तो सुन, और उन्हीं नोबेलों के साथ बांध के ना तुझे यहाँ से कहीं दूर भेज दूँ, ताकि फिर मैं अकेले एंकरिंग कर लूँ. अरे ये सब तो जाने दे, मैंने कहा ना आज हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी के ऊपर एक्ट है, मैं वो तुझे जरूर बता सकती हूँ. चलो फिर देखते हैं अपना पहला परफॉर्मेंस जिसका नाम है फिजियोथेरेपी है. Good evening, respected judges and beautiful audience. We are from Sir JP College of Physiotherapy, Palghar. Through our skit, we will represent importance of physiotherapy. Scene 1. Welcome to physiotherapy class. बोले तो एकदम फाड़ू गाना गाने का क्या? चल गा रे. मैं नाम ना रही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग. चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम. Good morning, students. So, what do you mean by physiotherapy? बोले तो मालिश वाला. No, we are not मालिश वाला. We are the one who make patient independent. Yes. जो दर्द कम कर सके. Who? जो मेरी beauty और मेरी health को maintain रखे. Rahul. बड़ा ही खूबसूरत सा अंदाज है आपका. समझ नहीं आता फिदा हो जाऊं या फना. राहुल, I asked what do you mean by physiotherapy? Physiotherapy is a treatment to restore, maintain and make most of our patients mobility, function and well-being. Good. Professor beginning anatomy. So, we will start anatomy and in that we will learn about bones. So, what is this? Adda. No. Femur. Then what is this, Rahul? कोई ह्यूमरस छोटा नहीं होता और फीमर से बड़ा कोई बोन नहीं होता. क्या बात है? Who? Man, this is femur and that is uterus. Yes. So anyone have any doubt? Yes, Munna. बोले तो इतना लंबा क्यों है? क्योंकि ये लोअर लिम का बोन है और ये वेट बेयरिंग में हेल्प करता है. ये मामू, बोले तो नीचे की सारी हड्डी लंबी होती क्या? Shut up. First lecture is complete. Beginning of kinesiotherapy lecture. So let's start with kinesiotherapy, and in that we will learn about fundamental position. So stand up everyone and abduct your arms.
ये मामू सीधा खड़ा रहे. So different type of fundamental position can be used for different. ये तेरा बहुत हो गया है. सुबह से दिमाग का बाजी पाला कर रही है. अपुन तो पहले से डॉक्टर है रे. अब तेरे को ये सब की जरूरत नहीं है. You disgusting fellow. I'm pissed off you. And now I'm not taking this lecture anymore. मैम रुको, रुको मैम, मैम. देखते ही देखते 2019 आ गया और अपने साथ COVID-19 को भी ले आया. सब जगह महामारी फैल गई और सरकार ने लॉकडाउन घोषित कर दिया. दो गज की दूरी मास्क है जरूरी. कोविड आउटब्रेक इन एन हॉस्पिटल. अयो अयो डॉक्टर डॉक्टर अयो. यस यस बोलिए. अयो हमको थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है जी. यस यस आपको क्या प्रॉब्लम है? अयो हमको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है जी. आपको कब से ये प्रॉब्लम है? अयो हम जब से चेन्नई से आए ना जी, जब से लेके अभी तक हमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है जी. अच्छा नाम क्या है आपका? वेणुगोपाल अय्यर. वेणुगोपाल मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर. मुत्तु स्वामी चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आप बैठ जाइए. अयो कहाँ बैठना है जी? चेयर पर बैठ जाइए. अयो चेयर पर. देखो अभी मैं आपको कुछ पोजीशन या एक्सरसाइज बताऊंगा, तो जिसको करने से आपको जो दम लग रहा है ना वो कम हो जाएगा और आपको सांस लेने में आसानी होगी. जल्दी बताओ डॉक्टर, हमको बचा लो. हाथ फोल्ड करो अपना. अयो हाथ फोल्ड करो और इस पर रखो. अयो इस पर. हाँ नाक से गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे से मुंह से छोड़िए. धीरे से जैसे कॉफी फूंक मारते हैं ना, धीरे 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 धीरे. आप कैसा लग रहा है आपको? अयो हमको आराम मिला है जी, अब अच्छे से सांस लेने हो रहा है जी. ड्यूरिंग द COVID-19 आउटब्रेक दिस ट्रीटमेंट वॉज वेरी हेल्पफुल टू ट्रीट ब्रीथलेसनेस और डिस्निया. अयो डॉक्टर हम घर जा सकते हैं जी? हाँ आप जा सकते हो घर, चलिए. अयो चलो हम आपका नारियल पानी पिलाते हैं जी. जी बताइए क्या हुआ इन्हें? कुछ ना है, कुछ ना है. जी डॉक्टर इन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है. जी इनका नाम क्या है? हमरा नाम अंगूरी देवी बा. ठीक है तो मैं आपका फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं आपको. फिजियोथेरेपिस्ट जी? हमका नहीं चाहिए कोई फिजियो. नहीं नहीं. अरे माँ चलो. अरे हमको माँ बेटी घर जाते हुए. नहीं तुम जबरदस्ती को हमको अस्पताल ले जाती हो क्या? माँ आप कभी भी मेरी बात नहीं सुनते हो. आओ बैठो. यू ही कुछ दिन बीतते गए और माँ की तबीयत और खराब हो गई. ओ बेटी जरा तनिक पानी तो लाना. हेलो हे बेब व्हाट्स अप. बेटी क्या हो गया? मैं आपको बोल रही थी ना ट्रीटमेंट करा लो. नहीं
छोड़ के गई आप मुझे माँ, और मैं क्या करूंगी अकेली इस दुनिया में, कौन है मेरा आपके अलावा? माँ, जैसा कि देखा आप सभी ने, आज माझी के जिद के कारण ये क्या हो गया। यदि माझी ने भी अन्हा की तरह फिजियोथेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट ली होती तो शायद वो आज एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही होती। जैसे अन्हा ने फिजियोथेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट ली, एक्सरसाइज की और अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दिया तो वो आज एकदम स्वस्थ एवं तंदुरुस्त हो गए हैं। फिजियोथेरेपिस्ट कोरोना में हमारी ढाल बनकर खड़े थे और उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ने में मरीजों की सहायता की और विजय प्राप्त की। वैसे ही फिजियोथेरेपिस्ट शारीरिक पूर्ण स्वास्थ्य, चोट की रोकथाम, स्वास्थ्य और फिटनेस में भी मदद करती है। डॉक्टर मरीजों को नव जीवन देते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट उस जीवन को जीना सिखाते हैं। आशा करते हैं हमारे स्वान के माध्यम से फिजियोथेरेपिस्ट का महत्व हम आप तक पहुंचाने में सक्षम रहे होंगे। थैंक यू। कॉलेज कोड क्रमांक 2 पेश कर रहा है महंगाई डायन खाए जात है। अरे वो देखो आ गए भैया जी। राम 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 राम। तो भैया जी आज आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? अरे सुनावत है तनिक हमको ये बताओ कि किसी को कोनो प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब क्या बताएं भैया जी, आज बहुत महंगा हुई गया है, पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए और सब्जी की तो कोनो बात ही ना करे। और भैया जी हमारे खेत में तो कुछ उग ही नहीं रहा, इसलिए साला हम उग गए हैं। तो आज ऐसी एक डायन की कहानी हम तुमको सुनावत है। डायन साउंड इंटरेस्टिंग लागत है। हाँ, सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं। सैया जी और भैया जी बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। हाँ, सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई सखी डॉक्टर का खूब ही कमाते हैं, लड़की की जब जाए जाते हैं।
इस बजट में यह पेश किया गया है कि जिस व्यक्ति के दिन की आमदनी 28 रुपए से कम होगी वो बिलो द पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीब माना जाएगा। क्या बोला? क्या बोला? सुना कि आपने क्या बोला ये? मतलब जिस आदमी की दिन की कमाई 28 से कम है वो गरीब माना जाएगा? हाँ। अरे यहाँ तो 30 रुपए टोल भरने में चले जाते हैं। सखी जनता तो खूब ही गवाते हैं टोल ना काटन खाए जाते हैं। सखी जनता तो खूब ही गवाते हैं टोल ना काटन खाए जाते हैं। हर दिन का तो है ये टोल सरकार तो अवैध बांध कामों पर रोक लगाती है लेकिन ऐसे घोटाले कभी नहीं सुलझते। सखी जनता तो खूब ही गवाते हैं ससुरी ईटायन खाए जाते हैं। सखी जनता तो खूब ही गवाते हैं ससुरी ईटायन खाए जाते हैं। सखी सैया तो खूब ही गवाते हैं महंगाई ईटायन खाए जाते हैं। ऑर्डर 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 एक चिकन बिरयानी। 1842 केस यजमान खान। ठीक है अगले साल की तारीख। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो देश को खोखला बनाते जा रही है इसीलिए तो हम कहते हैं अरे कमा कमा कर मर गई जनता। कमा कमा कर मर गई जनता। पहले तगड़ी तगड़ी थी अब दुबली पतली हो गई जनता। पहले तगड़ी तगड़ी थी अब दुबली पतली हो गई जनता। सखी जनता तो खूब ही गवाते हैं ससुरी की तरन खाए जाते हैं। सखी सैया
वारे जमाने तेरी हद हो गई, वारे जमाने तेरी हद हो गई। ये कौन सा तरीका है जीने का, जहां मोल नहीं होता गरीब के पसीने का। अमीरों के पैसे से क्यों चलता खर्चा महीने का, अरे क्यों मोल नहीं गरीब के पसीने का, तो क्या फायदा ऐसे जीवन जीने का। अरे क्या हुआ आपको? अरे क्या हुआ आपको? आपको बोला था ना दवाई लीजिए, क्या हुआ? कहां से दवाई लूं? दवाई लेने के लिए ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना तो वक्त है। रुकिए मैं पानी लाती हूँ। लीजिए पानी पीजिए। अरे क्या हुआ आपको? अरे क्या हुआ? माँ सुशील, माँ पिता जी क्या हुआ? माँ पिता जी क्या हुआ आपको? माँ पिता जी आप ठीक हैं? पिता जी, माँ पिता जी क्या हुआ? माँ 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 पिता जी बोलिए ना, माँ पिता जी को क्या हुआ? माँ माँ बोलो ना, माँ पिता जी को क्या हुआ? पिता जी बोलिए ना, पिता जी बोलना। मन की आंखें खोल रे बाबा, मन की आंखें खोल। ये दुनिया क्या है? एक तमाशा, चार दिनों की झूठी आशा। पल में तोला पल में माशा, ज्ञान तराजू लेके आता तोल सके तो तोल। मन की आंखें खोल रे बाबा, मन की आंखें खोल। अगर ऐसा करेगी तो मुझे नहीं करना ये पढ़ाई, मैं छोड़ दूंगा ये पढ़ाई सब कुछ। नहीं बेटा, तू बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। तुम्हारे पापा ने और मैंने हमेशा एक सपना देखा, तू बहुत पढ़े लिखेगा और बड़ा आदमी बनेगा। क्या तुझे हमारा सपना चूर चूर कर देना है? क्या तुझे इसी गरीबी में हमारा जीवन बिताना है? नहीं माँ, मुझे माफ कर दे, मैं आगे जरूर बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ के बड़ा आदमी बनूंगा। माँ मुझे माफ कर दे। सूरज सा तेज नहीं तुझमें दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं तुझमें दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हदों को रोशन करने से तुम खुद को कब तक रोकोगे, तुम खुद को कब तक रोकोगे? हाँ माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं जरूर आगे बढ़ के पढ़ाई करूंगा और बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। हाँ माँ, मन लगा के पढ़ो। ये उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है, ये उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर इसने मृत्यु से जीवन सींचा है। तो आइए हम देखते हैं वो नीट के कोचिंग वाले दिन जब ये अपने मेडिकल के लिए एग्जाम के लिए तैयारी करता है। वो तो बनकर अंकल, और नीट के परीक्षा में वो असफल रहता है। वारे जमाने तेरी हद हो गई, वारे जमाने तेरी हद हो गई। लड़की के आगे मां रद हो गई, अरे जिसने पाला तुझे उसको छोड़ के लड़की आज तेरी सरताज हो गई और तेरी मां परताज हो गई। वारे जमाने तेरी हद हो गई, वारे जमाने तेरी हद हो गई। फिर भी वो लड़के ने हार नहीं माना, वो वापस अपने माँ के बात को स्मरण करके उसने वापस से जी जान
लगाकर वापस परीक्षा की तैयारी करती। तो आइए देखते हैं एक झलक। इस तरह जीवन या तो जीत देती है या हार से मिली हुई सीख देती है। वो लड़के ने हार से मिली हुई सीख को अपनाया और वो अपने परिश्रम के दिन रात एक करके वो मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला पा गया। तो आइए हम एक झलक पाते हैं उसके मेडिकल कॉलेज के दिनों के। सर नया बकरा आला है। क्या बात कर रहे हैं, इंट्रो लेते क्या उसका? चलो चलो। अरे ए, आ ये आपका इंतजार था। ए चले छाने इंट्रो दे अपना। इंट्रो मतलब? अरे समझा रहे इसको, इंट्रो क्या होता है समझा रहे? अबे छाने इंट्रो मतलब तेरा नाम बता, तेरा पता बता, तेरी गर्लफ्रेंड का नाम बता। अरे तू भी क्या बात करता है, इसकी किधर गर्लफ्रेंड है तेरे? लेकिन भाई गर्लफ्रेंड तो आपकी भी नहीं है। ए क्या मजे लेता मेरे? ए तू क्या कर रहा है, इंट्रो दे चल। लेकिन आप तो मेरे बैचमेट हो। अरे हिस्ट्री बता रहे इसको, मेरी हिस्ट्री बता। अबे शाने तो आइए सुनिए मुन्ना भाई की कहानी। मुन्ना भाई का जन्म चमनपुर के गांव में हुआ। उन्होंने 2014 में नीट की परीक्षा पूरे 4 बार फेल होकर उन्होंने इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। ये मेडिकल कॉलेज में आने के बाद फर्स्ट ईयर में उन्होंने पूरे 4 बार फेल होकर इस कॉलेज का नया विक्रम रचा। ऐसा ही नहीं, इतना ही नहीं, हमारे कॉलेज के एनाटॉमी लैब के मुर्दे खोपड़ी भी सर को पहचानने लगे। ऐसे हमारा मुन्ना भाई और इनको लाखों लड़कियां रिजेक्ट करने के बाद भी इन्होंने अपना प्रयास बिल्कुल नहीं छोड़ा। ऐसे हमारे मुन्ना भाई। क्या चल रहा है पे? ये चलो चलो मैम। हाँ? क्या चालू है? अरे अरे नहीं मैम, भाई अपना ये तो भाई है, भाई बोल रहा है, भाई है, भाई है। मैं तुम दोनों को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, जाओ अपना काम करो। ये चले चलो। हाँ तुम रुको यहाँ पर। मैम मैं तो फ्रेश हूँ। हाँ बस बस जाओ अपनी पढ़ाई करो। ओके मैम। रुको यहाँ पर, तुम्हारा मास्क कहाँ है? मैम मास्क तो भूल गया। पता नहीं COVID-19 चालू है। हाँ मैम पहन लूंगा। जाओ यहाँ से। हाँ नमस्कार, मैं हूँ आयुषी श्रीवास्तव कल तक न्यूज से। अभी 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 खबर आ रही है कि WHO ने COVID-19 को महामारी घोषित कर दिया है। अभी अभी खबर आई है कि WHO ने COVID-19 को महामारी घोषित कर दिया है, यानी एपिडेमिक घोषित कर दिया है। अभी अभी जो आंकड़े आए हैं वो बता रहे हैं COVID-19 से पीड़ित संख्या बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। अस्पताल में ना तो बेड है ना ऑक्सीजन सिलेंडर, ना तो बेड है ना ऑक्सीजन सिलेंडर। चलो भाग जाते मैम, चलो 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 मैम आप ठीक हो? मैम मैम आप ठीक हो? मैम आप ठीक हो? मैम ये क्या हुआ मेरे भाई? देखिए आप प्लीज दूर हो जाइए। नहीं क्या हुआ मेरे भाई? देखिए आप प्लीज दूर हो जाइए प्लीज। देखिए इनकी मौत हो चुकी है। क्या मौत हो गई? मेरा भाई नहीं मर सकता। देखिए प्लीज आप समझिए, इनको इन्फेक्शन हो चुका था। कौन सा इन्फेक्शन? देखिए इनको कोविड हो चुका था। नहीं होता कुछ कोविड हो गया। देखिए आप नर्स कोई है क्या बाहर? नर्स आपने मारा? देखिए मैंने मारा नहीं, मार सकते मैंने नहीं मारा है। पैसों के लिए मारा? देखिए भाई नर्स कोई है क्या बाहर? देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरे भाई ने इसे नहीं मारा है। मैंने नर्स कोई बाहर है नहीं कर सकते आप ऐसा। ओ बचाओ बचाओ, आप नहीं कर सकते भाई, बचाओ 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 भाई को, बचाओ
कुछ भी करना है इनको। ऐसे ही होना चाहिए। बच्चा मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो। क्या यही है हमारे समाज में डॉक्टर की इज्जत? क्या यही है हमारे समाज में डॉक्टर की इज्जत? जान बचाने पे भगवान और जान ना बचाने पे शैतान? अरे जो इंसान बचपन से डॉक्टर बनने की उम्मीद लेकर यहां तक आया है, इतनी मेहनत किया है, क्या तुम लोग ऐसा करोगे उसके साथ? हम अपना वक्त, अपने परिवार का वक्त, अपने सारे परिवारजनों का वक्त निकाल के सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना मरीज ठीक हुआ या नहीं हुआ इसकी चिंता करते रहते हैं, क्या यह है उसका फल? अरे उस माँ को क्या लगेगा जिसने मुझे इतना कष्ट लेके बड़ा बनाया, डॉक्टर बनाया, उसे क्या लगेगा, उस पर क्या बीतेगी जब उसे मेरे बारे में पता लगेगा? यही ना, यही ना कि जिन लोगों ने कुछ समय पहले उसके बेटे को एक समय भगवान माना था, आज उसी लोगों ने उसकी ये हालत कर दी है, उसके साथ ये दुर्व्यवहार कर दिया है। देखिए मेरा विरोध इन लोगों से नहीं है ना, मेरा विरोध उन लोगों से नहीं है, मेरा विरोध तो ऐसी सोच से है जिसकी वजह से आज सब कुछ हुआ है। मेरा विरोध तो उस ऐसी गलत शिक्षा की वजह से है जिसकी वजह से आज ये सब कुछ हुआ है। लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं अपने पद पे चलते रहूंगा, मैं अपना कर्तव्य जरूर करूंगा। मेरा कर्तव्य ये रहेगा कि समाज में जो भी डॉक्टर के प्रति हिंसा हो रही है उसके विरोध में, उसको विरोध में लोगों को जागरूक करना, और मैं करता रहूंगा। देखिए अपनी मेरी कहानी कैसे बचपन से उतार चढ़ाव देखे मैंने, पिताजी कम उम्र में चले गए और माँ ने मेरे पढ़ाई के लिए बर्तन धोए, आधी जिंदगी लगाने के बाद क्या सिला मिला मुझे लोगों के मार खाने का, आधी जिंदगी लगाने के बाद क्या मार मिला मुझे लोगों के मार खाने का। कभी कभी लगता है कि क्या फायदा इस डॉक्टर बनने का, क्या फायदा इस डॉक्टर बनने का। जो अपनी जान बचाकर दूसरों की जान बचाता है, जो अपनी जान बचाकर, जो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाता है, जरा ध्यान से सुन ले ये मानव, जरा ध्यान से सुन ले ये मानव, वो एक डॉक्टर ही कहलाता है, वो एक डॉक्टर ही कहलाता है। मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो जो हमारे समाज में ऐसी डॉक्टरों के विरुद्ध में ऐसी हिंसा हो रही है, प्लीज आप उसको रोको, क्योंकि यहाँ में डॉक्टर दोषी नहीं है, दोषी तो वह शिक्षा है, दोषी तो मिली हुई है गलत शिक्षा है जिसकी वजह से आज सब कुछ हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे रुकूंगा नहीं, मैं अपना कर्तव्य जरूर करूंगा, मैं अपना कर्तव्य जरूर करूंगा। मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे कितनी हैरान होती, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई, ये रात है या तुम्हारे जुल्फे खुली हुई है, है चांदनी या तुम्हारे नजरों से मेरी रातें धुली हुई है, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट के तुमने चुपके से कुछ कहा है,
ये सोचता हूं मैं कब से घूमसम कि जबकि मुझको भी एक खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही नहीं हो। मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी है, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी है, कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें, कब तक यूं ही तड़पते रहें। दिल कहता है दीवार जो हम दोनों में खड़ी है गिरा दे, क्यों सुलगते रहें सहें हम, लोगों को बता दो हाँ हमको तुमसे मोहब्बत है, मोहब्बत है। आणि अनडाउटेडली मला वाचता येत नाहीये, चष्मा नाहीये, पण मी सांगतो महंगाई डायन या स्टेटला पहिलं बक्षीस मिळालेलं आहे, अर्थात या कॉलेजचं जे नाव आहे ते नाना चोपारा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। खूप चांगला परफॉर्मन्स, खूप चांगली पद्धतीने केलेलं हे स्किल होतं ते आम्हाला तिघांनाही खूप भावलं। धन्यवाद, थँक यू सो मच। Thank you.
किन्नर कहते हैं, कुछ लेने नहीं दुआएं देने आई थी। I'm not afraid of the dark.
हम दुबई का शेख रहती दुबई का शेख। अरे तो तुम इधर क्यों होती? दुबई में जाओ, ये नाला सुपारा होती। हमको एक बेली डांस देखना होती, तुम हमको बेली डांस दिखाती तो हम तुमको खजूर का कुआ तेल का खेत देती। खजूर का तेल कुआ का खेत देती। क्या? खजूर का खेत और तेल का कुआ देती। ठीक है शेख भाई साहब, आपको बेली डांस बस चार परफॉर्मेंस बाद दिखाते हैं, तब तक आप चने के खेत का डांस देखती। तुम हमको बोलती, हम तुम्हारी बात सुनती, हम बाद में आती। ठीक है। क्या कर रहे हो यार मैडम? ठुमका चाहिए ठुमका। चिल्ला क्यों रहे हो? अच्छा ओके ओके सॉरी सॉरी। एंड साउंड रोल कैमरा ऑन 5 6 7 8। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।